छिंदवाड़ा में इन दिनों माफिया के हौसले बुलंद है। यहां तक कि ये लोग सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। छिंदवाड़ा के चौरी क्षेत्र में भुतेरा ग्राम में अवैध मुरम खनन की सूचना मिलने पर पहुंची खनिज विभाग की टीम पर अवैध उत्खनन करने वालों ने जमकर हमला कर दिया। पुलिस अधीक्षक विधायक वर्मा ने बताया कि खनिज विभाग की टीम पुलिस को सूचना दिए बिना ही घटना स्थल पर गई थी। खनिज विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं मारपीट का प्रकरण दर्ज कर लिया है। अवैध उत्खनन करने वाले का नाम प्रदीप शर्मा बताया जा रहा है, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ है। पुलिस विवेचना में जुटी है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खनिज विभाग के अधिकारी इस संबंध में कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। कल चौराई थाना क्षेत्र के भुतेरा गांव के पास किसी मुहर्रम से जुड़े अवैध खनन को लेकर वहां के खनिज अधिकारी कार्रवाई हेतु गए थे। कार्रवाई के समय पुलिस को सूचना नहीं थी, किंतु उनके द्वारा बताया गया हमें कि वहां पर जब वो जब्ती वब्ती कार्रवाई कर रही थी तो वहां जो लोग उपस्थित थे उन लोगों के द्वारा उनके शासकीय कार्य बाधा डाली गई और अभद्रता भी की गई, जिसको लेकर थाना चौराई में पुलिस द्वारा 353 और अन्य धाराओं पर केस कायम हुआ है। दो लोगों का नाम बताया गया था, एक का नाम प्रदीप शर्मा करके है जो सामने आया है और एक किसी श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी से लिंक्ड है। आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है, तलाश की जा रही, शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।